वेलकम बैक टू दिस चैनल, मैं हूं मंशू एंड दिस इज मिस्टर ओपन टेक्स। एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि OnePlus के सभी यूजर्स OnePlus के साथ 100% सेटिस्फाइड है, यानी कि उन्हें OnePlus के मोबाइल्स में कोई भी कमी नहीं नजर आती है। और अगर हम इसे कंपेयर करें आईफोन के यूजर्स के साथ तो उनके साथ ऐसा नहीं है। आईफोन के कई यूजर्स को आईफोन में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं और कईयों को तो उसकी बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग सबसे बड़ा इशू लगता है। तो इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर OnePlus के मोबाइल्स में ऐसा क्या खास होता है जो उसे दूसरे मोबाइल से ज्यादा बेटर बना देता है। मेरे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर बात करें OnePlus के स्टार्टिंग की, तो OnePlus एक चाइना की कंपनी है जो कि दिसंबर 2013 में स्टेबलाइज्ड हुई थी, और इसके डायरेक्टर हैं कार्ल पाई और इसके सीईओ हैं पैट लाओ। और ये दोनों ही, यानी कि कार्ल पाई और पैट लाओ, OnePlus से पहले ओप्पो के लिए काम कर चुके हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि OnePlus, ओप्पो, रियलमी, वीवो और आईकू ये सभी बीवी के इलेक्ट्रॉनिक्स के ही पार्ट हैं, और बीवी के इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इन सब स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो वापस अपने पॉइंट पर आते हैं और पता लगाते हैं कि OnePlus के फोन्स में आखिर क्या खास है। तो OnePlus में आपने नोटिस करा होगा कि OnePlus शुरू से ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मोबाइल निकालता है, और इसीलिए जहां आज के टाइम पे दूसरी कंपनीज एक महीने में चार चार मोबाइल लॉन्च कर देती हैं, वहीं OnePlus चार महीने में अपना एक मोबाइल लॉन्च करता है। और OnePlus ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि OnePlus को अपने हर अगले मोबाइल में एक अपग्रेड दिखाना पड़ता है, और उस अपग्रेड को दिखाने के लिए OnePlus को नई टेक्नोलॉजी का वेट करना पड़ता है। और इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, और क्योंकि OnePlus स्टार्टिंग से ही अपने मोबाइल्स को लेटेस्ट प्रोसेसर पर लॉन्च कर रहा है, इसीलिए उसे अपने अगले मोबाइल के लिए एक नए और लेटेस्ट प्रोसेसर की वेट करनी पड़ती है। और कुछ ऐसे ही OnePlus अपने हर अगले मोबाइल में एक नया अपग्रेड दिखाता है जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। और क्योंकि OnePlus शुरू से ही फ्लैगशिप मोबाइल लॉन्च कर रहा है, तो OnePlus का एक अपना स्टैंडर्ड बन चुका है जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और इसी वजह से OnePlus को iPhones के साथ भी कंपेयर करा जा रहा है। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले OnePlus ने अपना नया मोबाइल यानी कि OnePlus Note लॉन्च कर दिया है, और उससे लगता है कि OnePlus अब बजट सेगमेंट में भी स्टार्टिंग करने वाला है। लेकिन हो सकता है कि बजट सेगमेंट पर मोबाइल लॉन्च करने की वजह से OnePlus के ब्रांड पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा। और अब बात करते हैं OnePlus की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, यानी कि OnePlus का ऑक्सीजन OS। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि ऑक्सीजन OS OnePlus का सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी मोबाइल में आने वाला सबसे ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। और ऐसा क्यों है ये तो आपको OnePlus यूज़ करने पर ही पता चलेगा। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट कर ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि और भी टेक्निकल वीडियोस आने वाली हैं।